विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पक्ष में करने की जीतोड़ कोशिश में लगी हैं। सपा ने ब्राह्मणों को साधने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सपा की सरकार बनी तो हर चौराहे पर परशुराम की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। अब बहुजन समाज पार्टी ने भी ब्राह्मणों को साधने के लिए कई जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। अयोध्या के बाद ये कार्यक्रम प्रयागराज के सैदाबाद में हुआ, जिसमें पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ब्राह्मणों के लिए इस बसपा को ही समर्थित बताया। इस तरह से आतंक फैलाया, आपने देखा कि ब्राह्मण समाज का अगर व्यक्ति है खुलेआम गाड़ी से रोक करके और उतार करके उसका नाम पे एक बार पूछ लेते हैं जैसे कि ऐसा तो नहीं कोई और है, और जब पता लगता है कि ब्राह्मण समाज का है तो उसके गोली मारने का काम करते हैं। और एक दो नहीं, कितने किस्से इस तरीके के हो गए। लखनऊ शहर में गाड़ी से जा रहा था तिवारी, और वो नौकरी पेशा बाहर की कंपनी में काम करता था, लेकिन वो ब्राह्मण समाज का था, गाड़ी रोकी, नाम पूछा और गोली मार दी। घर में अपने माँ बाप को लखनऊ में देखने के लिए बीमार थे कोरोना के दौरान में, ब्राह्मण समाज का नौजवान एक मजबूत आदमी था, पहुंचा, उसको वहां से उठा ले गए और ले जाके कंटोनमेंट में गोली मार दी। बसपा के इस ब्राह्मण सम्मेलन में पूर्व मंत्री नकुल दुबे, राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ भी शामिल हुए और बसपा कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाकर ब्राह्मण समाज को भरोसा दिलाया कि मायावती ही इस समाज का उद्धार करेंगी। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार से की गई। तो बीजेपी कम से कम बीएसपी का नाम ले रही है ना, परेशान हो रही इसीलिए कर रही है ना। बीजेपी जो है 330 सीटों पर थी, 300 अभी कहने लगी, कल एक जने 275 बता रहे थे, कहीं कह रहे थे, अब धीरे धीरे घटते घटते आने दीजिए चुनाव, वो खुद ही कहने लगेंगे अब हम 100 के नीचे आ चुके हैं, अब हम 50 पे आ गए हैं। बीएसपी इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? बीएसपी विकास के में लड़ रही है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उसमें चल रही है, सर्वजन समतामूलक समाज बनाने के उसमें चल रही है, सबको सर्व समाज को लेकर के चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे ले चुनाव लड़ रही है, ये मुख्य मुद्दे हैं।